छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने पीडीएस को अब सर्वभौम पीडीएस में बदल दिया है, और मतलब एक ऐसी योजना जिसमें अब गरीबी नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों को सरकारी राशन दुकान से राशन मिल पाएगा। राज्य सरकार के फैसले से प्रदेश के सभी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, और इसके साथ ही सरकार आदिवासी अंचलों में गुड़ और चना भी बांट रही है। आखिर इस योजना की क्या है खासियत और किस तरह से लोग हो रहे हैं लाभान्वित, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में इन सरकारी राशन दुकानों से अब हर कोई व्यक्ति राशन ले पा रहा है। उन्हें बहुत सस्ते दामों पर अब राशन मिल रहा है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राशन कार्डों में खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि की गई है। वहीं अब बीपीएल परिवारों के साथ साथ एपीएल परिवारों को भी खाद्यान्न सरकारी राशन दुकानों से मिल रहा है। इस योजना के तहत जहां बीपीएल परिवारों को 1 रुपए किलो चावल मिलेगा, तो एपीएल परिवारों को 10 रुपए में चावल सरकारी राशन दुकानों से दिया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं इस योजना में क्या क्या है खास। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों मतलब आयकर दाता एवं गैर आयकर दाता को भी खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। इनके क्रियान्वयन हेतु सामान्य एपीएल परिवारों के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रचलित है। एपीएल राशन कार्डों पर एक सदस्य वाले परिवार को प्रति माह 10 किलो, 2 सदस्य वाले परिवार को प्रति माह 20 किलो और 3 सदस्य या 3 से अधिक सदस्य वाले परिवारों को प्रति माह 10 रुपए किलो की दर से 35 किलो चावल की पात्रता है। खाद्य सुरक्षा से लाभान्वितों की संख्या में वृद्धि। राज्य में वर्तमान में प्रचलित 58 लाख राशन कार्ड में शामिल 2 करोड़ 16 लाख व्यक्तियों अर्थात राज्य की 85% जनसंख्या की रियायती दर पर चावल वितरण किया जा रहा है। सार्वभौम पीडीएस के लागू होने के उपरांत राज्य की 92% जनसंख्या के पीडीएस से लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में प्रचलित 58,56,000 राशन कार्डों में नए सदस्यों के नाम जोड़ने के कार्य को एक व्यापक अभियान के रूप में इस वर्ष राशन कार्ड नवीकरण के दौरान किया जा रहा है। प्राथमिकता वाले परिवारों की पात्रता में वृद्धि। प्राथमिकता वाले राशन कार्डों पर खाद्यान्न की पात्रता में वृद्धि की गई है। अगस्त 2019 से प्राथमिकता वाले राशन कार्ड हेतु 1 सदस्य वाले परिवार को 10 किलो, 2 सदस्य वाले परिवार को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाले परिवार को 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य हेतु 7 किलो अतिरिक्त चावल का वितरण किया जा रहा है। सभी राशन कार्ड धारियों को कैरोसिन का प्रदाय। पूर्व में राज्य के ऐसे 12,90,000 राशन कार्ड धारी परिवार जिनके पास एलपीजी कनेक्शन है, उनकी कैरोसिन पात्रता समाप्त कर दी गई थी। उन्हें अगस्त 2019 से कैरोसिन का वितरण पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। चना वितरण राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के भोजन में प्रोटीन की कमी पूरा करने हेतु रियायती दर 4 रुपए प्रति किलो की दर पर प्रति माह 2 किलो चना प्रदाय अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवार को किया जा रहा है। राशन कार्ड नवीकरण। खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित 36,56,000 राशन कार्ड का नवीकरण 3 महीने की रिकॉर्ड समय सीमा में पूर्ण कराया गया। गुड़ वितरण। बस्तर संभाग में सभी जिलों के अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्डों में शामिल सदस्यों को एनीमिया से बचाने के उद्देश्य से गुड़ वितरण किया जा रहा है। ऐसे परिवारों को प्रति माह 2 किलो गुड़ का वितरण किया जा रहा है। इस योजना को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं से। लोगों को राशन कार्ड अगर उपलब्ध हो रहा है तो सभी वर्ग के लोग खुश हैं, क्योंकि चाहे कोई भी हो हमारे पास आज आ रहे हैं राशन कार्ड बनाने के लिए, तो सभी वर्ग चाहे सरकारी कर्मचारी हो सामान्य व्यक्ति हो, क्योंकि राशन कार्ड को प्राथमिकता में लेकर के बड़ी खुशी लोग महसूस कर रहे हैं। जो योजना है वो बहुत अच्छा ही योजना है, क्योंकि उसमें सभी गरीब और गरीब गरीब वर्ग जितने भी जिसको लाभ नहीं मिल रहा है उनको भी लाभ देने की अपना अनुशंसा जो सरकार ने चालू किया है वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। और सभी जिसको नहीं मिल रहा था राशन का जो फायदा उसको भी मिलने जा रहा है अब
जैसे सरकार द्वारा जो राशन नहीं मिल रहा था उसको भी मिलने जा रहा है, और ये जो नियम निकाले हैं बहुत अच्छा चीज निकाले हैं, क्योंकि इसमें सभी हितग्राहियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ का यह सार्वभौम पीडीएस आज सबके लिए एक समान हो गया है, सम्मान का हो गया है। राज्य सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच सस्ते दामों में सामान्य वर्ग के लोगों को राशन देकर एक बड़ी राहत दी है। सब ला मिलत है अब राजमा भोजन के अधिकार, खुशहाल छत्तीसगढ़ है इही के आधार। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। चलिए देखते हैं।